कोई भी अगर आपका नाम लेते हैं हम उनको इंसल्ट करते हैं, और ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सिंपल, अब आपने ये सदर को भी समझा दीजिएगा कि कहीं पे भी आपने तो पहली बात तो मीडिया पे नहीं आना बिल्कुल भी, ये बड़ा शार्प होते हैं, इनके सारे अपने इंस्टॉलेशन। आप देखा लाहौर रंग वाले पे, आप गई हो ना लाहौर रंग वाले को, आपने फिर कितना जलील किया, आपने ये नहीं देखा? मुझे नहीं, मैंने देखा लाहौर रंग का वो उल्लू का पट्टा और वो बेगैरत जो है ना, वो थर्ड क्लास जो है ना, वो इसका डाउट है, इसका डाउट है, तो उसके साथ अब मैं करूंगी क्या? कहते हैं आपको फैजल हसन चौहान ने भेजे, मैंने कहा ठरकी मुबशर लुकमान है, खुद उसने हमें भेजे और खुद उसने हमें नंबर दिए, तो आप उनका कह रहे हैं कि जिन्होंने हमें इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत दी है, और दूसरा उनका कोई बीच में ताल्लुक ही नहीं है, उनका कोई वास्ता ही नहीं है, जिसने भेजे तो उसको क्यों छुपा रहे हैं? कल उसने क्या किया, कल ये वो दो नंबर लड़का है, ये मैं जानता हूँ, इसने कल प्रोग्राम किया मुबशर लुकमान के, उसको लेके गया सारा अपना जनाब, दिखाया ये देखिए जी मेरा जहाज है, यहाँ पे ये हुआ वहाँ पे ये हुआ। तो अब आपने एहतियात करनी है टीवी चैनल्स में, ये क्योंकि एंकर्स हैं, इनके अपने अपने बंदे हैं, तो अब बिल्कुल आपने इस इशू के ऊपर बिल्कुल, बल्कि अब बात ही नहीं करते, अब बात ही नहीं करते, मुबशर लुकमान को ही जलील करेंगे, देख लेना इतना जलील करूंगी ना आपका नाम भी नहीं है, आपने मीडिया पे चला ही नहीं है, मीडिया में नहीं ऐसे ही, मतलब जो नोटिस वगैरह भेजे अगर पुलिस ने बुलाया या कुछ भी ऐसा हुआ उस उसपे आपने इस तरह से रखना है कि एज अ कस्टमर रिजवान साहब हमें दिखाने के लिए देखे गए, क्योंकि हमारी ख्वाहिश थी कि यार हम ये